स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो इस बार की वीडियो हमारी होने वाली है होंडा जैज पे। इस गाड़ी को हम पूरा डेंट पेंट करने वाले हैं, इसकी रूफ़ नहीं होएगी। जैसा कि हमारी ज़्यादातर वीडियो में आपने देखा होगा कि हम गाड़ियों की रूफ़ नहीं पेंट करते हैं, क्योंकि गाड़ी की रूफ़ जब ख़राब हो तभी पेंट करानी चाहिए, ऐसे उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। और रूफ़ रिपेंट होने से कॉस्ट पे भी असर पड़ता है कि जब आप गाड़ी सेल करेंगे तो उस पे भी थोड़ा असर पड़ता है। इस वजह से रूफ़ ज़्यादातर पेंट नहीं होती हैं। अगर ख़राब है तो उसको करवानी पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं ख़राब है तो पॉलिशिंग से मैनेज हो जाता है। बाकी इस गाड़ी में हमें डबल डबल काम करना पड़ गया है, क्योंकि पहले इसके बम्पर नए लगने वाले थे, फिर बाद में इसी को रिपेयर करना पड़ा। आधी गाड़ी पेंट हो चुकी थी, उसके बाद बम्पर फिर से रिपेयर करना पड़ा। फिर इसके डोर हैंडल पहले ब्लैक रहने वाले थे, पेंट पूरी हो गई थी गाड़ी, एकदम तैयार हो गई थी, उसके बाद हमको फिर से इसको सिल्वर करने पड़े हैं, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे लास्ट में। और बाकी गाड़ी की कंडीशन की बात करें तो कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है इसकी। हर पैनल में डेंट हैं और डेंट पेंट करके बेस बनाना पड़ेगा इसका। ये ओवरऑल लुक है इस गाड़ी का, अब डेंटिंग का काम स्टार्ट होगा। इस गाड़ी में हम लाइटें भी क्लीन करने वाले हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा इसकी हेडलाइट जो है पीली पड़ चुकी है और इसको हम क्लीन करेंगे। और ये DIY तरीके से नहीं क्लीन होगी, इसको मतलब अच्छे से क्लीन किया जाएगा, इसका आगे का ग्लास निकाल के और मशीन से पॉलिश करी जाएगी। तो ये अलग से होता है, मतलब DIY तरीके से नहीं होता, इसका पूरा तरीका होता है, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा जल्दी। अब हेडलाइट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हेडलाइट पूरी नई हो गई है। जो हेडलाइट बाहर से गंदी होती है, हल्की पीली पड़ जाती है, तो वो बाहर से क्लीन हो जाती है सैंडिंग करके। बाकी जो अंदर से क्लीन करना होता है उसको ग्लास हटा के ही उसको क्लीन किया जा सकता है, बाकी ऐसे नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय कोविड चल रहा है, तो इस वजह से हमारी वीडियो आने में थोड़ी देर हुई जा रही है। और इस समय मार्केट भी एकदम डाउन पड़ा हुआ है, ज़्यादा काम नहीं है, एकदम सन्नाटा चल रहा है, तो इस वजह से वीडियो आने में थोड़ी देर हो रही है। तो कोशिश करेंगे वीडियो कंटिन्यू आती रहे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो आप हमारी एफिलिएट लिंक से जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं, इससे हमें हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो हम ऐसे ही और कंटेंट लाते रहेंगे, तो वीडियो इन्जॉय करें।
तो गाइस हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और अगर आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन से कुछ ख़रीदना हो तो आप हमारी लिंक से जाके ख़रीद सकते हैं और उससे हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट डालते रहेंगे। तो चलिए आपको गाड़ी दिखाते हैं, गाड़ी बनके कैसे तैयार हुई है चलिए देखते हैं।